अर्धनग्न होकर के हम प्रदर्शन कहाँ कर रहे हैं, अर्धनग्न हम लोग को ये महागठबंधन सरकार बिहार सरकार किए हैं, देखिए हम लोगों को हटा दिया गया। इसी बात का दुख है कि उसको सात निश्चय योजना को धरातल पर उतारने वाले हम वार्ड सचिव ही है, हजार के संख्या में एक भी आवेदन पर हमारा संज्ञान लिए हैं। तो बताइए ये समाधान यात्रा क्या कर रहे हैं, जवाब ये नौटंकी यात्रा है, बिल्कुल ही नौटंकी यात्रा है। समाधान यात्रा होता तो जो उसके जो उनके पास आवेदन जाता है उसका समाधान निकलता। बिल्कुल पाँच साल बिना मानदेय का हम लोग को खटवाए हैं। जिस तरह से सरकार ने हम लोग को एकदम नंगा कर दी है, क्योंकि जब एक रुपया भी नहीं दी चार साल में, वो भी पद हम लोग को छीन लिया। ये सात निश्चय जो देश विदेश में आप देख रहे हैं, इसको धरातल पर उतारने का काम वार्ड सचिव ने किया है, और चार साल हम लोग बिना पैसा का बिना मानदेय का किए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सात निश्चय योजना को लेकर कई वादा दावा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सात निश्चय योजना में जिन लोगों ने काम किया उन्हीं की जो रोजगार है वो छीन ली गई। बता दें आपको कि वार्ड सचिव के तमाम जो लोग हैं 75 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यह तमाम वार्ड सचिव हैं, बिहार के अनेक जिलों से आए हैं, तमाम अधनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मामला है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम मामला जुड़ेंगे जानेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मोनू कुमार है, वार्ड सचिव संघ से हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आज 72 दिन से हम पटना के गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन, नग्न हो के क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? अर्धनग्न होकर के हम प्रदर्शन कहाँ कर रहे हैं, अर्धनग्न हम लोग को ये महागठबंधन सरकार बिहार सरकार किए हैं। हम लोग अर्धनग्न 72 दिन से हम लोग शांतिपूर्वक पटना के गर्दनीबाग में बैठ के धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को उठा रहे थे, सरकार को बताने का प्रयास कर रहे थे कि आप जो हमको रखे थे वार्ड सचिव के पद पर, पाँच साल आपके योजना में हम लोग काम किए, और एकाएक आपको क्या वजह कारण बन गया कि हम लोगों को 72-19 लेटर जारी कर करके हम लोग को हटा दिए। वही 72-19 को लेटर को निरस्त करवाने के लिए आज 72 दिन से पटना के गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन, और ये 72-19 को लेटर को निरस्त करवा करके स्थायी करने का वादा हम लोग से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कई बार किए हैं। 18/12/2021 को पटना के गर्दनीबाग में ही आकर के माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी वादा किए थे। नीतीश कुमार जहाँ भी जाते हैं वो सात निश्चय योजना का बात कहते हैं कि सात निश्चय योजना काफ़ी लाभदायक है। बिल्कुल माननीय नीतीश कुमार जी का जो सात निश्चय योजना है जनता के लिए बहुत ही लाभदायक है, और इसका हम भी सराहना करते हैं। हम क्या पूरा विदेश तक, देश विदेश सभी जगह सराहना। आप लोगों को हटा दिया गया? देखिए हम लोगों को हटा दिया गया, इसी बात का दुख है कि उसको सात निश्चय योजना को धरातल पर उतारने वाले हम वार्ड सचिव ही हैं। हम वार्ड सचिव सात निश्चय योजना को धरातल पर उतारने के लिए पूरा ईमानदारी पूर्वक दिन रात एक करके काम किए और सात निश्चय योजना धरातल पर उतारे, लेकिन एक यमराज चौधरी आ गए, पंचायती राज के मंत्री बने, और सम्राट चौधरी जी हम लोगों को एक पत्र निकलवा करके पंचायती राज निदेशक जी द्वारा हम लोगों को हटा दिए। उसी समय से हम लोग पटना के गर्दनीबाग में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 13/12/2021 को एक लेटर निकला और 14/12/2021 से हम लोग लगातार प्रोटेस्ट करके हम लोग वो लेटर को निरस्त करवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और लगातार हम लोग को आश्वासन भी मिल रहा है कि आप लोगों को अस्थाई किया जाएगा, वार्ड सचिव को अस्थाई किया जाएगा। यहाँ तक कि हम लोग को रखने से पहले भी वादा किया गया है। क्या नाम है? मेरा नाम प्रीतम कुमार सिंह, मैं प्रदेश मैं भोजपुर से आया हूँ। अर्धनग्न हो प्रदर्शन जी, जिस तरह से सरकार ने हम लोग को एकदम नंगा कर दी है, क्योंकि जब एक रुपया भी नहीं दी चार साल में, वो भी पद हम लोग को छीन लिया, रोजगार देकर बेरोजगार कर दिया, तो इस आर्थिक स्थिति के तंगे में हम लोग मानसिक और शारीरिक स्थिति दिन पर दिन बिगड़ रहा है सर। हमको तो लगता है सर कि हम लोग स्वतंत्र भारत के गुलाम नागरिक हो गए हैं सर। नीतीश कुमार तो समाधान की बात करते हैं। समाधान करते हैं, कैसा समाधान करते हैं? इतना समस्या सुने तो समाधान कहाँ निकाले? यात्रा आप जिले जिले कर रहे हैं, प्रखंड कर रहे हैं, कभी गर्दनीबाग में आकर तो तादाद में हजारों की संख्या में हमारा आवेदन माननीय नीतीश कुमार के पास गया है समाधान यात्रा में, हजार के संख्या में एक भी आवेदन पर हमारा संज्ञान लिए हैं। तो बताइए ये समाधान यात्रा क्या कर रहे हैं, जवाब यात्रा कर रहे हैं, ये नौटंकी यात्रा है। अच्छा। बिल्कुल ही नौटंकी यात्रा है। समाधान यात्रा होता तो जो उनके पास आवेदन जाता है उसका समाधान निकलता। हमारा आवेदन उनके पास हजारों की संख्या में गया हुआ, एक भी आवेदन पर संज्ञान लेने का काम किया था। बताइए यदि संज्ञान नहीं लिया है तो इसको हम कैसे माने कि समाधान यात्रा है? ये बिल्कुल हम कह रहे हैं कि नौटंकी यात्रा है। विकास की बात, देखिए विकास तो माननीय नीतीश कुमार जी बहुत ही किए हैं, उनके यात्रा को पुरुष बिल्कुल हैं, इसमें कोई भी दोहरा मत नहीं है। हम मानते हैं कि नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, लेकिन आपका जो ये दोहरा नीति है कि ये जो
लोगों से बेगारी खटवाना, बिना मानदेय के काम करवाना, ये दोहरा नीति के हम लोग खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी, विकास अच्छा किए हैं, बिना पैसा दिया आप लोग, बिल्कुल 5 साल बिना मानदेय का हम लोग को खटवाए हैं। और उस समय के पंचायती राज मंत्री माननीय स्वर्गीय कपिल देव कामा जी आश्वासन दिए थे कि भविष्य में बाढ़ सचिव अस्थाई बाढ़ सचिव होगा और बाढ़ सचिव को मानदेय भी मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। कहाँ मिला? कुछ नहीं मिला और ऊपर से हम लोग को हटा दिया गया है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, सुपौल से है। प्रदर्शन कर रहे हैं अंगनग नगर के प्रदर्शन, हम लोग इससे पहले 72 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दी गई, सरकार की इधर नज़र नहीं पड़ रही, इसलिए हम लोग नग्न हो गए हैं। अब हम लोग मुंडन करेंगे, रोड पुतरेंगे, हम लोग जिला बाय जिला जाम करेंगे। जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग लड़ते रहेंगे, जब तक लड़ना। हल्ला बोल। समाधान यात्रा पर नीतीश कुमार चल रहे हैं, लगातार बिहार भ्रमण कर रहे हैं। जो भी चीज नीतीश कुमार दिखा रहे हैं वो वार्ड सचिव का देन है, वार्ड सचिव ने ही उनके सपना को पूरा किया है। और तो कहते हैं सब कुछ किए नहीं, हम लोग किए हैं और उनका काम सारा काम हम लोग किए हैं। तो वही लेते, ये 7 निश्चय जो देश विदेश में आप देख रहे हैं, इसको धरातल पर उतारने का काम वार्ड सचिव ने किया है। और 4 साल हम लोग बिना पैसा का, बिना मानदेय का किए हैं। और कहा है कि तुम लोगों को अस्थाई किया जाएगा, आसपास स्थान मिलता, लेकिन कभी अस्थाई नहीं किया जा रहा हम लोगों को। स्थाई नहीं किया जा रहा है इन लोगों को हटा दिया गया। 75 दिन से करीब गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे तमाम वार्ड सचिव के जो लोग हैं वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद हैं। वहीं तमाम प्रतिक्रिया सुनिए, क्या कुछ कहते वार्ड सचिव के तमाम लोग। तमाम वार्ड सचिवों का यह साफ कहना है कि नीतीश कुमार कई दावा करते हैं, कई वादा करते हैं, लेकिन वादा जो है उनका ऐसे ही रह जाता है। तो वहीं जिस तरीके से समाधान की बात कर रहे हैं, समाधान यात्रा पर चल रहे नीतीश कुमार, कोई समाधान नहीं हो रहा है, कोई समाधान नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं, यह नौटंकी यात्रा है नीतीश कुमार की। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।